नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है जिला उद्यान अधिकारी सीपी वस्ती जी के यहाँ। सर जी से जानेंगे कन्नौज में पिछली साल से निकासी कम है या ज़्यादा है, किस तरीके का माहौल है, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में एक रूमर फैला हुआ है कि कन्नौज जिले की पिछली साल से कम है, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इस समय क्या निकासी है, किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आलू बेचना चाहिए। सर जी सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कन्नौज के बारे में। कन्नौज में जो आलू का भंडारण हुआ था उसका क्या पिछली साल और इस साल की तुलना में लगभग कितना मेट्रिक टन का एवरेज अंतर है? नमस्कार किसान भाइयों जी, पिछले बार और इस बार में आलू के उत्पादन में लगभग 15% का अंतर था। पिछले बार ज़्यादा था उत्पादन, इसीलिए भंडारण भी पिछली बार लगभग 15,20,000 मीट्रिक टन हुआ था, इस बार लगभग 14,15,000 मीट्रिक टन हुआ था। अच्छा, भंडारण भी कम हुआ था। भंडारण भी कम नहीं, किसानों के बीच में एक भ्रम है कि कन्नौज जिले में कोल्ड नए बन गए तो थोड़ा थोड़ा कम हुआ पैदावार, पिछली साल जैसी है तो हमें लग रहा है कि पैदावार पिछली साल से कम है। लगभग कितना पिछले साल से? 10-15% कम है 10-15% उत्पादन। और जहाँ तक निकासी की बात है तो बहुत अच्छी चल रही है, पिछली बार से अधिक चल रही है निकासी। और किसान भाइयों से यही सलाह है कि वो लगातार अपनी निकासी करते रहें अपने आलू की। सर, जैसे कि किसानों के मन में एक चयन चल रहा है, विचारधाराएं जो है अलग अलग किसानों के मन में एक अलग अलग विचार है। कई किसानों का मानना तो यहाँ तक है कि किसान अभी इस समय घबराया हुआ है, जैसे कि आलू के भाव में सर कुछ गिरावट, कुछ सुस्ती देखने को मिली है कुछ पिछले एक सप्ताह से, तो ऐसे में सर किसानों के मन में एक हड़बड़ाहट जो है पैदा हो चुकी है और किसान अचानक से सभी कोल्ड स्टोरेज की तरफ भागने लग गए हैं। किसानों का मानना ये है कि आने वाले समय में रेट कुछ ज़्यादा गिरावट हो सकती है और आलू जो है फंसने के चांसेस हैं, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं लगातार पिछले दिनों से भी सलाह देता रहा हूँ कि वे अपने आलू की लगातार निकासी करें, डंप बिल्कुल न करें। अगर किसी किसान के पास ज़्यादा आलू है उसको 2-3 फेजेज में निकाल लें, जैसे किसी के पास 1000 पैकेट है तो 300 पैकेट पहले, फिर एक महीने बाद 300 पैकेट, फिर 350 पैकेट, ऐसे करके। सर, और सर कौन सी किस्त का उसका मान लेते हैं कि 4 किस्त में वो चला रहा है तो उसका मुझे लगता है सर 2 किस्त हो जानी चाहिए थी आज के। हाँ, लगभग तीसरी में आना चाहिए था उसको जी। यदि ऐसा मान लीजिए किसी किसान ने नहीं निकाला है तो भी वो जी। मैं यही कहूँगा कि अगर वो ये ना देखे कि रेट गिर गया है तो अब मैं न निकालूँ, रोक दूँ, उसको अपना कुछ न कुछ आलू एक फेज बना करके जरूर निकाल देना चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि आगे बहुत बढ़ जाएगा रेट तो कुछ आलू रख ले, जैसे कि फेज मान लो 500 पैकेट है तो 250 भी निकाल दे, 250 अपना रख ले, 15 दिन बाद निकालने कोशिश करें, 20 दिन बाद जब थोड़ा रेट चेंज हो। बिल्कुल सर, आज के दिन अगर देखेंगे तो हम जिले कन्नौज में पूरे जिले की अगर एवरेज निकाल के देखते हैं सर तो कितना परसेंट सर निकासी हो चुका है? लगभग 39% हमारी निकासी हो चुकी है, जो बहुत अच्छी चल रही है, पिछली बार से काफी ज्यादा जी। सर 39% आज की निकासी है सर, जिसमें से हम देखेंगे तो सर अपने यहाँ बीजा के लिए मतलब आलू लगभग जो है 20-25% तो रखा ही जाता है, 15-20% मानिए लगभग 15-20%। तो सर ये बीजा की निकासी जो है मुझे लगता है सर अगले महीने से कुछ कच्ची अगेती जो किसान करते हैं तो निकासी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौसम सही रहा तो हमारे जो चितिरवा इंदरगढ़ क्षेत्र है जिसमें कि कच्चे आलू की अगेती, आलू की बुआई होती है बड़े पैमाने पर जी, वहाँ बुआई 20-25 सितंबर से शुरू कर देते हैं यदि मौसम सही रहे। अच्छा सर जी, अगर जाना जाए मान लीजिए कि पिछली साल और इस साल की तुलना में निकासी में परसेंटेज में लगभग कितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा अनुमानित? अगर लगभग 8% का अंतर है, पिछली बार से ज्यादा है निकासी। ज्यादा सर मान लेते हैं कि 39% निकासी अभी प्रेजेंट टाइम हो चुकी है, इसमें से 20% और बोल देंगे कि चलिए कि ये बीजा का हो गया, तो कुल मिलाकर के 59-60 के आसपास एवरेज पहुंच रहा है जा करके। सर जो आलू बचा हुआ परसेंटेज है मान लेते हैं 40 बच गया या फिर एवरेज निकालेंगे जिस हिसाब से अपना कोल्ड स्टोर भंडारण हुए थे, तो सर जो आलू बचा हुआ है क्या लगता है उसके लिए पर्याप्त समय आराम से सर निकलेगा जो आने वाले समय में? तीन अभी क्योंकि 2-3 महीने तो पूरे पूरे दिख रहे हैं। किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो इसका ये मतलब नहीं कि घबराहट में भी आ जाए, मगर ये भी नहीं कि डंप करें आलू। नहीं नहीं, देखिए अगर बात की जाए सीधा है कि वो फेजेस बना करके, चरण बना करके वो किस्तों में निकालते रहे, जैसे कि सर मुझे घबराए भी ना लेकिन डंप भी ना करें। मतलब कि जिस रफ्तार से अभी तक निकासी चलते करते चले आ रहे हैं मुझे लगता है उसी कदम को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, कुछ किसान भाई तो बहुत ही होशियार हैं, वो जब बीच में काफी बढ़ा था मंडी का रेट उसी समय उन्होंने लगभग पूरा निकाल दिया था अपने बीजा छोड़कर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमने काफी लोगों से सर्वे किया तो मुझे ऐसा लगा, और कुछ लोगों ने ऐसा मतलब प्लान बनाया कि इस बार काफी रेट बढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि इस बार तो आलू बहुत कम है,
वो थोड़ा सा धोखा खा गए, थोड़ा रेट इधर डाउन है, बहुत नहीं डाउन है, बहुत अच्छे अभी रेट चल रहे हैं। और जो जिन्होंने पूरा का पूरा रोक रखा है उनसे मेरा यही कहना है कि वो अब भी घबराए ना, लेकिन रोक ना रखें, धीरे धीरे उसको, उसको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दें। और उनको अगर लग रहा है कि लास्ट में बहुत बढ़ जाएगा तो कुछ हिस्सा, 1/4 हिस्सा अपना रोक लें, लेकिन पूरा बिल्कुल ना रोकें, धीरे धीरे लगातार निकालते रहे। तो सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा सर, जैसे कि अगले महीने ही आलू की निकासी, आज से 5 या 10 दिन बाद जो है आलू की अगेती वाला जो बीजा है वो निकासी होने लग जाएगा, तो बीजा प्लस निकासी बीजा भी होगी और जो अपना साउथ की मंडियों वगैरह लोडिंग वाला जो आलू होता है उसकी भी निकासी चलेगी, क्या लगता है सर भाव में कुछ परिवर्तन होने वाला है? किसान का उम्मीद ये है कि भाई कुछ टाइट वन हो जाए। देखिए ये तो हम ज़्यादा नहीं आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन देखिए आलू में कोई बहुत क्लियर आइडिया लगाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि कई कारकों पर निर्भर करता है जी। बस मोटा मोटा आइडिया मैं बता सकता हूँ कि उनको घबराना नहीं चाहिए किसान भाइयों को जी। लेकिन डंप न करें, वो निकालना जरूर शुरू कर दें जी। पूरा ना निकालें तो कम निकालें, लेकिन फेजेस में निकालते रहें। अच्छा सर जी एक अनुमान है, एकदम क्लियर कट मैं नहीं बता सकता हूँ कि आगे रेट एकदम बढ़ जाएगा कि एकदम घटेगा, ये तो अनुमान मैं नहीं लगा सकता। अच्छा सर जी एक चीज का अनुमान होगा, जैसे मान लीजिए यूपी का कुछ निकासी का कुछ अनुमान होगा, लगभग कितना परसेंट निकल गया होगा, ऐसा कुछ है आंकड़ा क्या? 1-2% का अंतर यही होगा यूपी का, लगभग 1-2% का अंतर। सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि सर जैसे कि आलू की पैदावार से अपने कन्नौज जिले में साथ साथ यही बात कर लेते हैं कि अगेती वाली अभी आज से कुछ 10-15 दिन मतलब 10 दिन आगे ही आलू की बुआई चालू हो जाएगी, उसके बाद जो है हमारे पक्की वाली भी होता है, दो भागों में हमारे यहाँ फसल होती है। सर पैदावार को लेकर के बहुत सारे किसानों की शिकायत रहती है कि भैया हमने बीजा लिया लेकिन कई किसानों का बीजा मारा जाता है, कई किसानों का मतलब पैदावार ठीक नहीं होती है, बताया कुछ जाता है होता कुछ और है, ऐसे में सर किसानों को बीजा किस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए? देखिए अगर प्रमाणित बीज हो तो सबसे बढ़िया है, अगर प्रमाणित नहीं बीज है, फाउंडेशन बीज, प्रमाणित बीज जहाँ प्रतिष्ठित संस्थाओं से मिल जाए तो ले लें, अगर नहीं है तो विश्वसनीय जगहों से लें, मेरा यही कहना है। और कोई ऐसी शिकायत अगर मिलती है कि प्रमाणित बीज में भी समस्या आती है तो वो संबंधित अधिकारियों से शिकायत करें। ये तो हमारे साथ जिला उत्पादन अधिकारी CP बस्ती जी, जिन्होंने जानकारी दी, आज की जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।